कुदरत के कहर से कोई नहीं बच सकता। कुदरत के लिए सब समान है। अगर इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ करता है या उसका नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे भी कुदरत का प्रकोप सहम करना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ सुंदरवन नाम के गांव के साथ हुआ। नदी किनारे बसा ये गांव हरा भरा था, जिसके आसपास हरे भरे जंगल और चारों तरफ खेत ही खेत नजर आते थे। यहाँ के लोगों का जीवन खेती पर और जंगलों की लकड़ियों पर ही आधारित था। वे सब अपना रोजगार इन्हीं चीजों से हासिल करते थे। पर वो कहते हैं ना, किसी से हर वक्त लिया जाए और बदले में कुछ भी ना दे तो उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इस गांव के लोग जंगलों और खेतों से जीवन यापन करते थे और बदले में ना तो वे पेड़ उगाते थे और ना ही जंगलों में रह रहे बाकी जीवनों का ख्याल रखते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि उस गांव में एक बार इतनी बारिश हुई कि पूरी गांव पानी पानी हो गया। ज्यादा धार पेड़ काट दी गई, जिसकी वजह से पेड़ों की जाड़े पानियों को रोक नहीं पाए। लोगों के घर खेत कार्यों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उन्हें शुरुआत से खेती करने पड़ी। सब कुछ पहला जैसे करने में उन्हें बहुत वक्त लगा था। अब तो सारा गांव वाले अपने अपने खेतों का अधिक ख्याल रखते थे। हमेशा ये ख्याल रहता कि फिर से कोई नुकसान ना उठाने पड़े। वो हमेशा बस सिर्फ यही सोचते रहते। एक बार की बात है, वहाँ एक हाथनी आ पहुंची। शायद वो अपने जोन से बुचड़ गई थी और भटकते भटकते इस गांव के नजदीक आ पहुंची थी। और वो गर्भवती थी तथा भूखी भी थी। शायद इस गांव में कुछ खाने को मिल जाए, मेरा बच्चा भी भूखा होगा। हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। कुछ गांव वाले हथनी को गांव की तरफ आती देख लेते हैं। अरे देखो देखो, कोई हथनी गांव की तरफ चली आ रही है। चलो सबको बताते हैं। दोनों गांव वाले बाकी सब गांव वालों को बताते हैं उस हथनी के बारे में। ये हाथी हमारे खेत खराब कर देगी, चलो इसे मारकर भगा दे। हाँ, ऊपर से ये गर्भवती भी है, सारा खेत खा जाएगी। नहीं नहीं, किसी बेजवान प्राणी को मारना, वो भी तब उसके पेट में बच्चा है, ये तो पाप होगा, हमें नहीं करना चाहिए ये। बाकी गांव वाले उनकी बात नहीं मानते। कोई योजना बना लग जाते हैं कि उस हथनी को कैसे भगाना जाए। उन्होंने सोचा वो भूखी है, इसीलिए वो कुछ भी खाएगी। उन्होंने अनानास में कुछ फटाके डालकर उसे रास्ते में रख दिया। अरे देखो मेरे बच्चे, यहाँ कुछ फल है, अब तुम्हारी भूख मिट जाएगी, तुम चिंता मत करना। हथनी खुशी खुशी वो फल खाने लगती है। पर जैसे ही फल खाती है, उस
उसके मुंह में फटाके फूट जाते हैं। उसके मुंह से खून की धारा भरने लगती है। वो दर्द से खराने लगते हैं और आसपास के एक नदी में अपने मुंह की जलन को ठंडा करने के लिए नदी से पानी पीने को चली जाती है। उसे बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी, पर वो बेसुबान आकर किससे कहती। कुछ गांव वालों को ये बात पता चली तो सब हथनी की मदद के लिए महावत को बुला लाए। ऐसी हरकत करके तुम्हें शर्म नहीं आई? गांव वालों का मुंह शर्म से चुप जाता है कि बेजुबान जानवर पर यूं इस तरह जुलम करना। कहा कि इंसानियत है, ये गर्भवती है, इतनी पीड़ हमें है और फिर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। और तुम लोगों को देखो, इंसान के लाने लायक भी नहीं हो। महावत हथनी को पानी से बाहर लाने की और उसका इलाज करने की कोशिश करता है। गांव वाले भी उसकी सहायता करते हैं, पर खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। कुछ गांव वाले हथनी की मदद के लिए पुलिस को फोन भी कर देते हैं। मैंने बिना सोची समझी फल खा लिए, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना दर्द दे रही हूँ। तुम मत रो माँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर हम साथ में खेलूंगा माँ, मत रो माँ। हथनी के मदद के लिए पुलिस पहुंच जाते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की, पर वो उसे दर्द से छुटकारा नहीं दिला पाए। ये देखकर गांव वालों को बहुत दुख होता है। ये हमसे कैसे अनर्था हो गया? भगवान हमें कभी नहीं माफ करेगा। इतनी क्रूरता तो हमारे पुलिस वाले कैदियों के साथ भी नहीं करते, जो तुम लोग ने इस मासूम के साथ की है। हम सबको उसकी सजा मिलनी चाहिए, हम सब दोषी हैं, हम उस बेजुबान को बचा नहीं पाए। पूरे गांव को नहीं, हमें सजा मिलनी चाहिए। ये दूध कार्य हमने किया है, ये क्या कर दिया हमने स्वार्थ में आकर। सजा तो मिलेगी, ऐसे काम करने वाले को सरकार ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। पुलिस वाले कुछ गांव वालों को पकड़कर ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। गांव वालों को भी एहसास हो गया था कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान हथनी की आत्मा को लेने के लिए आती है। चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अब इस धरती पर तुम्हें और दुख नहीं देखना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना दुखी है कि मेरे बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही इतना सब दुख देख लिया। अगर तुम कहो, मैं तुम्हारे बच्चे को मनुष्य जन्म दे सकती हूँ, उसे तुम्हारी तरह जंगलों में नहीं भटकना पड़ेगा। नहीं नहीं, इंसान नहीं बनना उसे, मैं नहीं चाहती कि वो किसी के साथ ऐसी क्रूरता करे जो हमारे साथ हुई है। इंसानों से ज्यादा हम जानवरों में भावनाओं होती है, इसीलिए मैं घायल होने के बाद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई। मैंने तो मनुष्य को करुणा और दया भाव से ही बनाई थी, पता नहीं ये इंसान राक्षस बनता जा रहा है। चलो तुम यहाँ से, ये धरतिया तुम्हारे रहने लायक नहीं बची। भगवान ने बनाई हुई सृष्टि में मनुष्य जाति सबसे बुद्धिमान और करुणा का प्रतीक मान गई है, पर आज हम अपने स्वार्थ के लिए
बेजुबान प्राणियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे चीजों को देखकर भगवान हमसे कितना नाराज होंगे ये सोचना चाहिए। अगर आप किसी बेजुबान को मदद नहीं कर सकते तो उन्हें नुकसान भी ना पहुंचाए, ये आपसे हमारी विनती है।